हाँ मम्मी एक बार बताऊं कैसा लग रहा फेस? मम्मी हेट क्या है पता सही? आपने से क्या काम किया काला मुंह करा के आ गए? बखत कर लिया काला मुंह काम कर कहा तू ना। मम्मी आज खर्चा करने जा रहा हूँ खर्चा करेगा फोन लेकर आऊँ। भाई पता है रात इतना ज्यादा परेशान हो गया मैं कल रात में। मेरा जो जिस फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना ये फोन ना हैंग हो गया मतलब इसमें ना अब ऑटोमेटिक 112 पे कॉल मिल गई और भाई लॉक नहीं खुल रहा है फोन का, स्विच ऑफ नहीं हो रहा। लास्ट में आके मैंने फोर्स रीसेट मारा फोन को तब जाके ये बंद हुआ। भाई अपने आप ऑटोमेटिक कॉल लग रही है। बासन फिर करने के हमारे घर में तो लड़ाई करने जा रही है और पूरे दिन हमारी मम्मी देख पाकिस्तान वीडियो देखा है। अरे इसमें पता क्या देख रही है? फाइनली मेकिंग ऑल पंजाब ऑनलाइन बुफेलो मिल्क कॉम्पिटिशन। भैंस के दूध को कंपटीशन देख रही कौन कितना देख रही है। हमारी मम्मी देख लो हम क्या देखा है। एक दिन तो पता कितना 1 मिलियन रुपए भैंस 61 लाख रुपए। हाँ वो कह रही जी हाँ लेकर आई वो कहा है 61 गाड़ी आएगी फिर दुआ दे तुम। आदमी सोना मांगे चांदी मांगे गाड़ी मांगे घोड़ा मांगे गाड़ी को लाइन के बड़े भैंस को भैंस 61 लाख रुपए भैंस बता। 61 लाख रुपए थोड़ा ना भाई साहब 61 लाख रुपए भैंस खरीदे हमारी मेहतारी हमारी मम्मी और कुछ आवे ना। मम्मी गाड़ी दिया भाई 61 लाख रुपए में तो पता घोड़ी किसी घर। एक दिन तो वो रात को बेकार लग रही बैठ करे एक घोड़ी लिया घर में घोड़ी होनी चाहिए घोड़ी तो लिया जमींदार ऊपर वाले तो वो यू मेहतर मिली देने को तो और लिया बापू ने मन लगाओ और लिया मेहतर तो बापू ने मन ने हम तो लिया बापू ने मन ने हम तो लिया थे। मम्मी भाई कसम या के अलावा टीम कुछ ना चला। सजेशन में भी यही आवा हमारा तो पैसा वैसन बर्बाद कर रहा है। माँ कहते हैं माँ बाप कहते हैं बेटा तो गाड़ी में पैसा बर्बाद मत कराए इन वैसन में पैसा बर्बाद मत कराए तो ले रहा पैसा रखे तो लिया पैसे दे रहे थे अब तो रुपये लाख धर दिया तो तू जा 10 लाख क्या लिया जा मौज ले तू मौज ले तू भी याद रखेगी कि तेने कोई बेटा पैदा करे और मंगवा ले नौकर भी करवा ले जो तो चाहिए वो कर ले पैसा इनकी और तो दिक्कत लिया बताओ। भाई देखो सही में ना एक भैंस मेरे को लेके आनी पड़ेगी। मतलब मम्मी पूरे दिन भैंसों की वीडियो देखती है जैसे हम गाड़ी की वीडियो देखते हैं ऐसे वीडियो देखते हैं बट मेरे को समझ में नहीं आता ना कि भैंस को खरीदा कैसे जाता है। मतलब उसमें अब जैसे गाड़ी का पता है उसमें फीचर्स माइलेज बाई पिकअप पावर इंजन पावर सारी चीजें। अब भैंस का मुझे नहीं पता वरना मैं लाके गिफ्ट कर दूं अगले भैंस। अब मैं लिया वो खराब लिया फिर पता लगी रहा है तो नौस कर देता आजकल चढ़ाई बड़ी होवे गीत कौन आजकल। चलो भाई फिलहाल चलते हैं हम आईफोन बुक कर आते हैं खर्चा कर आते हैं जाकर। अब मैंने कि यार बुकिंग तो करवानी है और पता चला है कि मैं जब से लोग बोलते हैं ना जो भाई बाहर से मंगा ले और सस्ता पड़ता है बाहर से सस्ता तो पड़ता है बट अभी सुनने में एक चीज और आई है कि आईफोन अगर आप बाहर से लेते हो तो वो इंडिया के अंदर वारंटी नहीं लिया जाएगा। तो बाहर के फोन में और इंडिया के फोन में 10-15 हज़ार रुपये फर्क पड़ रहा है अगर GST रिटर्न करा ले तो ज्यादा कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं चले यार लेके तो आना है क्योंकि इन फोनों की तो होली है अपनी बत्ती गुल। उनको पता लग गया कि सारे ऑलमोस्ट यूट्यूबर आईफोन से ही व्लॉग बनाते हैं तो इस वजह से वो फोन की क्वालिटी कम कर देते हैं तो हमें फील हो जाता है फिर हमें क्या करना है। और हमको फोन ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कैमरे पे शिफ्ट होने से पहले 10 बार सोचते हैं यार शिफ्ट हो ना होए। तो मैं लास्ट टाइम हमने बुक किया था कहाँ से एप्पल स्टोर से बट इस बार हम एप्पल स्टोर से बुक नहीं कर रहे हम कहीं और से कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा भाई है जो हमारा आदमी मतलब उसके और थोड़े ना हूँ तो वो भाई कहीं और शिफ्ट हो गया। तो उसने बोला कि यार 22 तारीख को जो है जैसे लॉन्च होता है सबसे पहले फोन दे देंगे तुम्हें। मगर हमें तो फोन चाहिए हमें ये मतलब नहीं हमें तो कहीं से मिले। मैं तो ये कह रहा था भाई अगर 1.5 लाख रुपए दे के भी लाइन में लगेगा तो फिर क्या फायदा लाइन में नहीं लगना ऐसे चाहिए बिना लाइन। ये देखो ये चढ़ा चढ़ा ये ऐसे आदमी तो आप अगर 1-2 आदमी और बैठा ले ऐसे 4-5 आदमी और बर्बाद करवा देगा तो आदमी है। लो भाई फिलहाल हम पहुंच गए भाई तो मिलते हैं और करके 2-3 फोन बुक एक ना 2-3 करने पड़ेंगे मुँह इकट्ठे। 22 तारीख को कितने बजे आऊँ मैं जल्दी बता। 22 तारीख को सबसे पहला फोन आपने लगता सुबह 8 बजे भाई हम इनते पूछ रहे थे कुछ चेंज आया एप्पल में एप्पल में चेंज आया है वो सी टाइप इसको चार्जिंग और अब की बार लोगों की सी टाइप बना दी और जो बटन था ना उसमें साइलेंट बटन एक्शन बटन कर दिया, आप एक्शन बटन कर दिया और वॉच में कैमरे में कुछ ज्यादा फर्क है। वॉच में वो वाला फीचर यार अगर मान ले हम कहीं मार्केट खड़े हो गए ऐसा करने लग रहे हैं लोग तो पैसे गिन रहे हो खड़ा खड़ा। चल भाई बुकिंग करवा दी फोन की एंड भाई कह रहा 22 तारीख को फोन मिल जाएगा। तो अभी मैं सिर्फ खाली एक ही फोन चेंज कर रहा हूँ, मैं दोनों नहीं कर रहा हूँ। जो मैं 14 से रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिर मैं उस टाइम 15 से कर लूंगा और अगर लगता है मुझे कि वर्थ इट है फिर दोनों फोन चेंज करना तो मैं दोनों कर लूंगा, नहीं तो फिर नहीं करूंगा मैं, ठीक है। और बाकी इसके अलावा मैं फिर अभी सोच रहा हूँ कि अगर एक ही फोन ले लेता हूँ और एक फिर मैं कैमरे पे शिफ्ट हो जाता हूँ क्योंकि मेरे को ना एक अंदर से कीड़ा रहता है जो कि बहुत ज्यादा खाता है कि भाई मेरे को कैमरा चेंज करना है, कैमरा चाहिए। मुझे नहीं पता वो मेरे काम आएगा या नहीं आएगा बट फिर भी वो अंदर से रहता है ना कि नहीं यार चेंज तो करना पड़ेगा, कैमरा लाना पड़ेगा, सबको देखता हूँ तो वो वाली चीज आ जाती है। हमेशा से मैं अपने रखता हूँ जो मेरे ट्रिप के ब्लॉग होंगे ना वो ऐसे हो कि भयंकर वाले, ठीक है ना। और उसके लिए मैंने चेंज करने के लिए कुछ और सोचा है, आपको नए तरीके से शूट मिलेगा, आपको एडिटिंग कुछ अलग तरीके से मिलेगी। तो वो सारी चीज जैसे मैंने बोला हमेशा वैसे मैंने किया है, आप मेरे ट्रैवलिंग ब्लॉग्स आके देख लो। बाकी कल परसों में जाएंगे, एक बार हम दिल्ली कल जाए या परसों जाए, वहां से मेरे को कैमरे लाना मतलब धीरे धीरे करके अभी लेके आने लग जाऊंगा और वो फिर एक टाइम पे काम आ जाएंगे। थोड़ी देर पौनी के चला यू गाड़ी पे हमारी पौनी मांग की बता कहा तो पियाँ इतना पानी में यार कभी पेट्रोल पियो कभी पानी पियो कहा तो लियाँ तू बता दो यार बीड़ी मिला दो बीड़ी पिया। तो भाई फिलहाल हम पहुंच चुके हैं घर और हमें घर मिलता ही मिल गया बिट्टू। चल भाई 1 2 3 अरे चुप से बड़ा 1 2 3 अरे सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा। चल वो गुस्सा करेंगे और वो है क्या अब उसको भाव दिख गया टीवी में जब्बा 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 1 2 3 वो गुस्सा करते थोड़े ने गुस्सा कर 1 2 बेटे। भाई एक्सरसाइज मेरी तो होगी, लाइट्स लगाई थी हल्की लगाई थी ज्यादा हैवी लगाई और हमारा पूरा कोना भाई लग रहा है, ठीक है यार। बड़ा जिम में लग रहा है वो बढ़िया है ना कि गलत संगत में और गलत चीजों में ये ज्यादा हो गया, ये ठीक है ये परफेक्ट है ओके। तो फिलहाल अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे अंकित भाटिया है भाई, बहुत अच्छे ब्लॉगर है सही में, बहुत अमेजिंग मतलब जो ये मेहनत, हाँ मैं कह रहा हूँ जो ये मेहनत करता है ना कोई नहीं कर सकता। मैं बता रहा हूँ ट्रैवलिंग में जो ब्लॉगिंग में मेहनत करता है बट बेसिकली इनके डेली ब्लॉग्स नहीं आते, डेली वीडियोज नहीं आती। अच्छा अभी ना बस नॉर्मल से बात कर रहा हूँ, विकास भाई से बात कर क्योंकि विकास भाई का मैंने कैमरा देखा है, कैमरा बैग है और ये कैमरा बैग स्टूडियो के लिए लेके आए थे। आप पहले भी कैमरे से शूट करते थे फिर मेरे साथ आके फिर उससे बाद फोन पे शिफ्ट हो गए है ना, सही बात है। मैंने सिर्फ हाँ आईफोन में मैंने जिंदगी का पहला आईफोन तो आप ही के साथ लिया था। मैंने कहा भाई बता दो कौन सा फोन लेना है, आईफोन में भी तो इतनी सारे वैरायटी है। मैं तो एंड्रॉइड वाला था, मैं वीवो यूज करता था, वीवो वाई यूज करते थे बट अभी मैंने भाई कह रहे हैं कि काम कर लो ज्यादा हाई मत जाओ नॉर्मल ले लो बट नॉर्मल को भी और उसमें भी 4 से मतलब है आधे का फर्क, डबल 8 लाख और ये नॉर्मल नहीं भाई वो नॉर्मल नहीं है वो फुल फ्रेम सेटअप मतलब बेसिकली अगर बात करें का फुल फ्रेम ब्लॉगिंग सेटअप है ZS EV1 जो मैं बोल रहा हूँ कि भाई ब्लॉग क्योंकि आपको छोटा चाहिए हैंडी चाहिए स्पेशली ड्राइविंग के वक्त अपने ट्रैवल बैग में कैरी मतलब आप उसको ना कहीं भी एक छोटा बैग में कैरी भाई तभी उसके अंदर माइक की अगर माइक भी ना हो तो उसमें इनबिल्ट माइक भी और उसके ऊपर ना डेड कैट भी आ रहा है। हाँ तो मेरे अंदर ना वो चीज आ रखी है कि यार लेना है मतलब सही मतलब मुझे नहीं पता मेरा यूज है उसमें नहीं है बट यूज कर अगर ले लोगे ना तो यूज कर लोगे, ठीक है ब्रांड शूट कर लोगे बहुत सारी चीजें शूट कर लोगे एक्साइटेड जो भी है वो शूट करूँ ना करूँ तो ऊपर वाला जाने या फिर भगवान जाने, ठीक है। बट कहीं ना मेरे ना मैं आज यही बात कर रहा था कि मेरे अंदर ना कीड़ा बढ़ चुका है कि मैं ब्लॉगिंग के जो लेवल है देखो मेहनत लगेगी इसमें एडिटिंग का टाइम बढ़ेगा मुझे पता है। हम एक बहुत बार ये भी सोच जाते हैं कि व्यूज उतने ही आने हैं टाइम जितनी मेहनत कर ले बट एंड ऑफ द लास्ट वो चीज कहीं ना कहीं फील होगी और अपने लिए तो फील लेवल इंक्रीज होगा ना, तो वो सोच रहा हूँ कि यार वो चीज करूँ मैं बिल्कुल यार। अब GoPro मैंने देखा है GoPro 12 देखा हमने, एक तो मेरे पास ऑलरेडी है क्या DJI का Action 2 एक मैं GoPro इन सबको एक गाड़ी, अब देखो गाड़ी हमने ली ट्रैवलिंग के लिए, अलग अलग एंगल से बहुत बहुत पर्सपेक्टिव का डिफरेंस आता है। तो मैंने गाड़ी का ड्रॉप भी कर दिया, मैंने तो जो आपको सेटअप बताया था, जो फार्म वाला है, एयरबीएनबी वाला, वो बिल्कुल बिल्कुल। देखो आप बिजनेसमैन के साथ बैठोगे तो आपके दिमाग में बिजनेस आएगा, अगर आप वेल्यू के साथ बैठोगे तो आपको वेल्यू दिमाग में आएगा। देखो जैसे खुरापाती मतलब जैसे लोगों के साथ रहोगे आपका दिमाग वैसे ही काम करता है, ये बात सच है। बिल्कुल बिल्कुल, संगति कहते हैं, संगत का असर इसी बात पे कहते हैं। और संगत के साथ अगर सही संगत होगी तो आप अच्छा क्रू करोगे, और अगर संगत ही खराब होगी तो आप जैसा लगा लो, ऐसे लगा मारते रहो मारते रहो मारते बस। तो फिर आगे बाबू जी घर जाते जाते एक बार फूंक तो लगवाई थी, मना करूंगा वो फूंक, जब भी लगाया मैं लगवा लो फिर बाद में बोल दूंगा। बट ठीक है यार, ड्रिंक एंड ड्राइव वैसे भी सेफ नहीं है, बहुत चीजें आजकल बढ़ती जा रही है यार।